और मेरा नाम है सागर। रात की सुबह की अपडेट है। मेरा नाम है सागर और मेरे चैनल का नाम है सागर बर्ड केयर। तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। मेरी वीडियो में आपने क्लिक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे वीडियो को देखने को आए। और मैं देख रहा था आज कबूतरों को मैं दे रहा था अपने दाने। सर्दी की दवा जो है मैंने कल बनाई थी, आपको आपने वीडियो देखी होंगी कल की रात की, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो वो जो है आपको आज आप देखेंगे। बोले तो एक दिन लेट, वो एक दिन बोले तो परसों, वो 12 तारीख की वीडियो 13 तारीख को आती है, 13 की 14 को आती है। ऐसे कर करके अपन जो है डेली के अपडेट जो है आपको मैं बताता रहता हूँ, तो आप बने रहे वीडियो में। तो आज मैं देने वाला हूँ इनको इंजेक्शन से दवा। ये जोड़ा जो है दबके बैठ रहा, ये वाला जोड़ा हो गया, ये मादी हो गई सामने की और तारी मादी हो गई उधर की, हाँ वो भी फुल के बैठ रही है वो थोड़ा सा, उसके ऊपर जो है वो ये जाकचीनी मादी हो गई। इनको जो है ना अब दवाई जो है देने वाला हूँ मैं। तो ये जो है ना दाना खाने देता हूँ मैं पहले इनको, थोड़े से इनके सामने जो है गेहूँ डालता हूँ थोड़े, और जो है फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं आपके सामने जो है मैं इनको गऊ देता हूँ, जिससे फिर इनका जो है चलेगा कुछ आइटम। तो मैंने गेहूँ डाला हुआ है उसके खन में और मादी जो है आ चुकी है खन में दाना खाने के लिए, और नर जो है दाना ठंडा था हुआ। अब देख पा रहे होंगे, मैं सोच रहा था कि डीवॉर्मिंग कर दूँ कबूतरों की, न जाने इनके पेट में कीड़े होंगे इसलिए फिर जो है दवाई का असर इन पर नहीं होगा, इसलिए मैं डीवॉर्मिंग जो है करूँगा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डीवॉर्मिंग इनकी करके देता हूँ मैं। डीवॉर्मिंग की दवा जो है मैं लाऊँगा अभी, और वो जो है दवा मैं इनको देने वाला हूँ। ओके दोस्तों, और आप शौक करें कबूतरों का, शौक कबूतर अपने फीट खा रहे हैं कुछ कबूतर, और वहाँ पे गेहूँ डाले थे मैंने, गेहूँ जो डाले थे तो वो भी जो है खाने के लिए कबूतर जो है उतर रहे हैं और डरे हुए हैं थोड़े से। रात में जो है बिल्ली घूमती रहती दोस्तों हमारे इधर, तो बिल्ली के डर के मारे क्या होते हैं कबूतर जो है ना धक्का सही नहीं करते, बोले तो डचके हुए रहते ना, डचके हुए रहते तो वो फिर जो है वो बुरा मानते कबूतर अपने। देख पा रहे होंगे यहाँ पे फीट डाली हुई है मैंने, कबूतर जो है उठा रहा है थोड़ा थोड़ा बीट फीट जो है वो उठा रहा है वो धीरे धीरे। कुछ कुछ कबूतर खाते हैं, कुछ कुछ कबूतर जो है नहीं खा रहे, और जिनको मैंने गोले औषध जो दी थी ज़्यादा दी, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने उल्टी भी कर ली है दोस्तों। इसने उल्टी करा था जो दवाई है बाद में रात में उसने निकाल लिया लगता मेरे ख्याल से, जो दवाई का जो है उसको असर ज़्यादा हो, वो जी निचला रहूँगा तो कुछ इसने नहीं किया और पेट खाली कर दिया, ऐसा ही कुछ तभी सही है। और कुछ कुछ कबूतरों ने उल्टी नहीं की, कुछ कुछ कबूतरों ने मेरे ख्याल से जो है पेट में रखे और जो है ना वो चर्रा सिस्टम समझ रहे हो ना आप दोस्तों। तो ये जो बात है ना आप भी समझ रहे होंगे, तो अभी मैंने कुछ कुछ कबूतरों को दवाई दी तो उनको कुछ नहीं हुआ, वो अच्छे रहे। अब शौक करें कबूतर का, इंजॉय करें थोड़ा, इंजॉय करा रहे कबूतर अपने बाजू ऊपर करके बाकायदा, ठापी भी मार रहा है ये कबूतर इतने से जगह में। तो कुछ कबूतर तो मेरे अच्छे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं अपने। उड़ान दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को, उड़ान देखने के लिए बने रहे आप, सब्सक्राइब करके रखे, आज ना कल जो है सिस्टम जो है अपना सही हो जाएंगे तो फिर मैं आपको शो कराऊंगा कबूतरों का बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इनको गेहूँ डालता हूँ, फिर जो है आपको दिखाऊंगा वापस से जो है गेहूँ का बर्तन अपना, और ये गेहूँ में डाल दिया, देखेंगे कबूतर क्या करते तो आते कि नहीं। कबूतर देखिए दोस्तों गेहूँ पे जो है आ गए हैं नीचे, और उधर जो है कबूतर खा कम रहे हैं और फेंक ज़्यादा रहे हैं नीचे। और ये जोड़ा, ये मादी जो है किसी और के खनों में घुसती रहती है, इसको काम धंधे नहीं है, दूसरे खुद का खन छोड़ दिया उसने और दूसरों के खनों में जाके फिर वो मस्ती में आती, नर को घुटकने को बोलती, ऐसा हो रहा हो। ओके दोस्तों, तो देख पा रहे होंगे कबूतर जो है दाना खा रहे हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी का कबूतर है, इसका शौक कराया हुआ है दोस्तों मैंने, वो नर का बहुत ही अच्छी बॉडी है उसकी, पर्व जो है अच्छे है जैसे होना चाहिए अच्छी उड़ान वाले कबूतरों के, वैसे ही है उसके पर्व। तो ऐसा जो है अपने घर का कबूतर है। अभी इनके ये जो मादी है इसको मैंने छेड़ा नहीं है दोस्तों सुबह से, क्योंकि उसके पैर को लग गया झटका,
तो वो जो है ना फिर बुरा मान जाती, फिर साइड में जाके बैठ जाती पुल के। उसको फिर मैंने धक्का भी नहीं दिया, वो अंडों पे बैठी हुई है, उसका नर जो है ये तमाशे कर रहा है इधर उठकता हुआ अच्छे से। ये देखिए दोस्तों उसका नर है, ये वाली मादी का अंडों पे बैठी हुई जो मादी आपको दिख रही है उसका नर है, ये नीला वाला काली आँख का ऐसा कबूतर है अपने घर पे। ये कबूतर अभी मैं दवाई देऊंगा दोस्तों इनको, अभी देखेंगे वो दवाई का रिजल्ट क्या मिलता है अपने को। वो वीडियो जो है मैंने डाली हुई थी रात में, और मेरा जो है ना गूगल वो नेट जो है नेट 5G में फ्री मिल रहा है एयरटेल वालों को, 5G में 6 महीना फ्री है। तो मेरा जो है ना सब कॉल जा रहा, मैसेज जा रहा, पर मेरा जो है ना नेट जो है वो चल नहीं रहा। और एक वीडियो अपलोड करने में 12 GB डाटा लगता, 12 GB डाटा जो है एक वीडियो को लगता। फ्री है था इसलिए मैंने क्वालिटी बढ़ा के डाला, तो वो वीडियो भी नहीं गई, वो अटकी हुई है बीच में ही सर्वर में घूम रही वो। और मेरा जो है YouTube भी नहीं चल रहा, WhatsApp नहीं चल रहा, Instagram नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा दोस्तों। तो ऐसा सीन हो गया अपना वाला। तो ये वीडियो क्या मालूम आएंगी कि नहीं आएंगी, मैं बना रहा हूँ सिर्फ, बस बना रहा हूँ मैं बस, बाकी कुछ मेरे को तो मालूम नहीं। अभी जो मैंने वीडियो सेंड की थी इसके पहले जो अपलोड की थी वो भी गई नहीं अभी तक, क्योंकि जो नेट की जो स्पीड है बहुत ही कम है, और 5G दिखा रहा नेटवर्क जो है 5G दिखा रहा, पर जो है ना वैसे चल नहीं रहा जो हिसाब से चलना चाहिए, वो हिसाब से जो है ना वो चल नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहे वीडियो में, देखिए मेरा कबूतर जो है गुटकता हुआ मादी के पीछे। ये कबूतर सिंगल है दोस्तों, इसको मादी नहीं है बेचारे को। ये देखिए दोस्तों एक ही मादी के पीछे जो है 10-10 नर अपने घर के घूमते रहते, और ये मादी देखिए दोस्तों अंडों के आ चुकी है। ऐसे आपके घर पे जोड़ा भागता होगा मादी नर जो मादी के पीछे भागता होगा, तो आपने समझ देना है कि मादी अंडे रखने वाली है, और नर उसको बोल रहा है कि भाई खन पे जाके बैठ जा, खन में जाके बैठ, घूम मत इधर उधर, डिलीवरी का टाइम है बेटली, अंडा किधर भी दे देंगी तू, ऐसा तू बैठ ही रहे खन में जाके, ऐसा जो है नर जो है वो नेचुरली इंस्टिंक्ट क्या बोलते हैं उसको, वो सीन है वो। तो वो कर दे कबूतर, जा भाई खन में बैठ, अंडा दे, बैठे रहे अच्छे से अंडा से, ऐसा। ओके दोस्तों, आप शौक कर पा रहे होंगे वीडियो का, शौक कर पा रहे होंगे आप कबूतरों का, तो ज़रूर आप लाइक करें वीडियो को। दोस्त लाइक ही नहीं करते, 300-350 व्यूज़ आते पर बंदे जो है लाइक नहीं करते, थोड़ा लाइक करा करें, मेरे को भी अच्छा लगता, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता थोड़ी सी लाइक के, और सब्सक्राइब करने के कुछ पैसे कटते नहीं है दोस्तों आपके, सिर्फ आपको मेरी वीडियो आएंगी और आप मेरा वीडियो जो है देख पाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने कबूतरों को देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। ओके, और वो बीमार मछली मिसाइल, वो बीमार मरना उड़ाना भागना, वो तो शौक का हिस्सा है दोस्तों, वो तो चलते रहता हर से हर ठीए पे, हर शौक वालों के पास में बीमार कबूतर आपको दिखेंगे, और भागना और मरना वो तो चलते रहता, जितने पैदा होते हैं उससे कम ज़्यादा ना कम, जितने पैदा होंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें से ज़ाया होंगे, वो तो चलते रहता, दस्तूर है वो दुनिया का, समझ रहे होंगे आप। तो इंसानों भी वैसा ही छे, दिन भरे में समझ लो कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने जन जो है बुजुर्ग बंदे जिंदा अडल्ट बंदे ख़त्म होते रहते हैं, वो होते रहता ज़िंदगी का वो है दस्तूर है, वो तो चलते रहता। वो सब जीने के लिए कोई आया नहीं है इधर, इसको पृथ्वी लोग को क्या बोलते हैं, मृत्यु लोग, संस्कृत में लिखा हुआ है मृत्यु लोग, तो इसमें जीना भी है और मरना भी है दोस्तों इधर ही। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी होंगी लाइक करें, अभी तो लाइक कर दिया करें, मैं चाहूँगा आप वीडियो को लाइक करें। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मैं इनको अभी पानी रखता हूँ, दवाई इनको देता हूँ, पहले दवाई दोनों को देता हूँ 10-10 ml, नीचे वाली मादी को जोड़े को भी देता हूँ 10-10 ml, और ये वाली मादी को भी देता हूँ, ये सफ़ेद चीनी मादी को भी देता हूँ, ये सफ़ेद चीनी मादी को भी दवाई देता हूँ, ये सफ़ेद कबूतरी को भी देता हूँ, वो कलसरी जो है ना यहाँ पे जो है ये खैरी, ये वाली को भी देता हूँ मैं मादी वो दवाई, वो नीले पट्टे को भी देता हूँ थोड़ा, वो भी दरअसल मेरे को कमज़ोर लग रहा, और उधर गया बच्चा, ये कलसरे बच्चे को देऊँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आप बने रहे वीडियो में, मैं करता हूँ अपना पानी वानी का आइटम, पानी का सीन जो है मैं करता हूँ बराबर। ओके जी दोस्तों, देखिए
में जो कबूतर है पाया, मैंने दवाई दी दे दी है इधर सबको, ये वाले जोड़े को भी दी, नीचे वाली मादी को भी दी, ये वाली सफ़ेद चीनी मादी को भी दी, और दो तीन कबूतर है उनको भी, सबको मैंने दवाई जो जो मेरे को बीमार लगे, ये बट्ठा हो गया, ये कल्सर बच्चा हो गया, ये हो गया, ऐसे 10-12 कबूतर जो अपने घर पे है उनको मैंने दवाई दी और पानी रखा। पानी अभी मैं जस्ट ये दाने खाएंगे, पानी पियेंगे, काम पर जाने के पहले पहले मैं ये पानी उठा लूँगा अभी, क्योंकि ज़्यादा पानी अपन देंगे तो जो ये सर्दी वाले कबूतर है ये वाले जो बैठे हुए इनको प्यास लगेंगी, तो फिर ये पानी पियेंगे ठंडा वाला। और मिट्टी के बर्तन में पानी रहता तो वो क्या होता फिर जो है ना गर्म ठंडा हो जाता पानी, तो इससे फिर और जो है उनकी दवाई जो है असर नहीं करेंगी, जो अपन दवाई दिए हुए हैं वो असर नहीं करेंगी, इसलिए जो है ना फिर अपन कह रहे कि असर होगा। आप देख पा रहे होंगे मादी जो है बच्चे को दाना दी रही है और कुछ कबूतर जो है अपना पानी पी के दाना उठा रहे हैं वापस से। शोक करे आप कबूतरों का अपने। और अभी यहाँ पे देखिए कुछ कबूतर इधर जो है बैठे हुए हैं और यहाँ से खुला है तो फिर जो है धूप यहाँ पे से कबूतरों को अपने रखती, और वैसे तो कुछ कबूतर अपने जो है अच्छे से चल रहे, बढ़िया चल रहे, तरस नहीं दे रहे मेरे को, कुछ ही चंद दिन कबूतर जो है अपने को तरस देते हुए दोस्तों, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दुआ करें आप सिर्फ जो अपने भाई है वीडियो व्यूवर से जो भी है, भगवान की दया से जो है वो ठीक होंगे, भगवान की और अल्लाह की दया से सब जो है वो सब मिक्स करके अपन जो है दुआ मांगेंगे सब जन अपने मिल के। ओके दोस्तों, तो देखिए आप शोक करें कबूतरों का अपने, ये अपने कबूतर जो है दाना अभी रोटी रोटी पानी जो है वो ले रहे हैं बढ़िया तरीके से, और बच्चों को जो है दाना देने का है दोस्तों, वो भी जो है मैं देने वाला हूँ अभी। तो चलिए दोस्तों मैं अभी बच्चों को देता हूँ अपनी फीड मुर्गियों की और फिर जो है कंटिन्यू करता हूँ। ओके ठीक है, देखिए दोस्तों ये बच्चे अपने वाले घर के, और ये तीन ही बच्चे बचे हुए अभी, और जो एक बच्चा था वो ज़ाया हो गया, और आप साइज़ देख पा रहे होंगे बच्चों का थोड़ा जो है बढ़ रहा है अभी, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कबूतर अपने बच्चे, पर भी जो है इनके शरीर पे जो है आना चालू हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे लाल बच्चे की यहाँ से आप नाखों इसके पास में, अब मैं जूम करूँगा आपको दिखेंगे, तो ये देखिए दोस्तों ये पर आ चुके हैं इसको, ये है दोस्तों। ओके तो ये बच्चे को मैं फीड करा रहा हूँ अभी, आज का समझ लो 5वां 6वां 8वां दिवस है, बोलो तो मेरे को कंफर्म मालूम नहीं है कौन सा दिवस है दिन है, तो वो आज का दिन समझ लो मेरे ख्याल से होगा 6वां दिवस है जो मैं सुबह शाम इनको जो है फीड करा रहा हूँ, और इससे जो है इनमें फ़र्क मेरे को दिख रहा है, और इनकी ब्रीड जो है वो अच्छी है, वैसे भी अच्छे चल रहे हैं कबूतर अपने बच्चे, और ज़्यादा इनमें मसले मिसाइल नहीं है, और दाना भी मांगते हैं मेरे से, ये पट्टा दाना भी मांगता है ये सामने का अपना काला वाला, और ये दोनों साथ वाले हैं, ये अकेला है, इसके साथ वाला जो है वो ख़त्म हो गया। ओके दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, और मैं दिखा नहीं सकता आपको पिलाते समय, क्योंकि अपने पास स्टैंड जो है वो अच्छा नहीं है, उस स्टैंड वो ख़राब है, उस स्टैंड उस पर जो है ना खड़ा रख के मैं नहीं जमाता, वो बराबर उसको बांधना पड़ता, उसमें लगता टाइम, और मैं जा रहा हूँ काम पे आज, इसलिए जो है आप यहाँ पे देखिए कि बच्चे की साइज़ आप देख सकते हो कितने अच्छे पल रहे बच्चे अपने घर के, ये देखिए दोस्तों ये बच्चे अपने घर के। ओके ये तीन मैं पाल रहा हूँ, और जो बच्चे निकलेंगे और जो बच्चा अपने पास है वो अंदर नीचे वाला वो भी खड़ा हो जाएगा पर पे पैरों पर, तो मैं उसको भी उठा के इसमें डालूँगा, और ये बाहर आ जाएंगे फिर, तो एक बच्चा रहेगा अपने को पालने में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ओके बने रहे आप वीडियो में, आपको चैनल पे मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अरे यार क्या बोलता हूँ यार मैं, सॉरी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे दोस्तों। अभी नया नया हूँ ना दोस्तों, तो मेरे को बोलते नहीं आता, धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस बन जाएंगी ना, फिर जो है मैं अच्छा बोलूँगा, अच्छी बातें करूँगा, अच्छा जो है अपना स्टेप बाय स्टेप चलेगा सबका। ओके दोस्तों तो ठीक है, तो चलिए आप मिलेंगे शाम में। ओके दोस्तों बने रहे आप।